हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारी तीसरी सीरीज के साथ, राजस्थान जी के टेस्ट सीरीज नंबर वन। मैं हूँ प्रहलाद सारण और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है तो आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोजाना करंट अफेयर का टेस्ट, राजस्थान जीके का टेस्ट और मॉक टेस्ट सीरीज है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। ओके गाइज, तो आप याद रखिए रोजाना सुबह 8 बजे है आपका करंट अफेयर का टेस्ट होता है। 1 साल के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है सारे कवर होंगे। शाम 7:30 बजे मॉक टेस्ट सीरीज होगी और 11:30 बजे है वो राजस्थान जीके से संबंधित सीरीज होगी। ओके, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे डेली राजस्थान जीके के जितने भी क्वेश्चन है वो कवर करेंगे। चाहे आप राजस्थान पुलिस का एग्जाम दे, राजस्थान पुलिस का जो पार्ट सी होता है उसका कंप्लीट जीके यहाँ पूरा करेंगे हम। रोजाना एक टेस्ट सीरीज होगी, साथ में आप लोग भी अपना स्कोर काउंट करते रहिए कि आप लोगों के कितने स्कोर बनना है। अभी फिलहाल ये पहला टेस्ट है तो नॉर्मली हम पहला टेस्ट करें फिर टॉपिक वाइज स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन हमारा है कि किस जिले में स्थित बारठ की हवेली, दाबाई जी की हवेली और पिपलिया की हवेली भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, जोधपुर की, उदयपुर की, चूरू की या फिर जैसलमेर की। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आप लोगों ने इसका सही उत्तर सोच लिया होगा। साथ साथ में आप लोग देखते जाइए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, मैं आंसर बताता जाऊँगा। तो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा बी, यानी उदयपुर की, उदयपुर में है वो बारठ की हवेली, दाबाई जी की हवेली और पिपलिया की हवेली है, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि किस शैली में वल्लभीय अद्वैतवाद की चरम अभिव्यक्ति है। ऑप्शन है उदयपुर, किशनगढ़, देवगढ़ या फिर चावड़ में। तो जितनी भी शैली है, उदयपुर शैली है, किशनगढ़ शैली है, देवगढ़ शैली है, चावड़ शैली है, किस शैली में वल्लभीय अद्वैतवाद की चरम अभिव्यक्ति है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, किशनगढ़ शैली में है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि 1992 ईस्वी में ललित कला अकादमी द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुने गए राजस्थानी चित्रकार कौन है, जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे थे, बसंत शर्मा, भवानी शंकर, उषा सिद्धार्थ या फिर सुनील घड़ियाल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सुनील घड़ियाल है इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि विकलांग बच्चों को कथक नृत्य सिखाने में विशिष्ट प्रणाली विकास के लिए राजस्थान के किस कलाकार को केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी द्वारा 1991 में सम्मानित किया गया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो ऑप्शंस हैं पंडित दुर्गालाल, बाबूलाल पाटनी, गुरु गौरीशंकर या श्रीमती रेखा विद्यार्थी। तो विकलांग बच्चों को कथक नृत्य सिखाने के लिए 1991 में जो केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी है उसके द्वारा सम्मानित किसको किया गया था, इसका सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, पंडित दुर्गालाल को सम्मानित किया गया। तो ए है वो सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मंडल द्वारा रचित वास्तुकला के किस प्रांत में यानी किस ग्रंथ में मूर्तिकला की जानकारी मिलती है। प्रसाद मंडल, रूप मंडल, गृह मंडल, वास्तुसार मंडल। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ देखनी है कि जितने भी चारों ऑप्शन दे रखे हैं उनके रचयिता जो है वो है मंडन। अगर आपसे पूछा जाता है मंडन से बारे में रचयिता इसके ग्रंथ कौन कौन से हैं तो आपको चारों के नाम बता रहे हैं। इनमें से तो वास्तुकला के लिए जो है मूर्तिकला के लिए जो प्रसिद्ध है, मूर्तिकला के लिए कौन सा मंडल है वो प्रसिद्ध है, तो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, रूप मंडल है, वो मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 कि प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के रचयिता कौन है। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र जो पुस्तक थी उसको किसने लिखा था, माणिक्यलाल वर्मा, पंडित नैनूराम शर्मा, हीरालाल शास्त्री या फिर जमुनालाल बजाज। तो सही उत्तर क्या होगा इसका, सही उत्तर आपने सोच लिया होगा, सही उत्तर होगा इसका हीरालाल शास्त्री है, उनके द्वारा है लिखी गई थी। ओके तो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7 के अभिलेखों के आधार पर राजस्थान की 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य किस देव को सर्वोच्च रूप से पूजा जाता था। 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य में किस देवता को सर्वाधिक यानी सबसे ऊंचे स्थान के रूप में पूजा जाता था, शिव को, विष्णु, वर्मा या फिर सूर्य। तो सही उत्तर आप लोगों ने सोच लिया आपका, तो इसका सही उत्तर है वो क्या होगा, मैं बता दूं इसका सही उत्तर होगा शिव, यानी ए है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी। राणा रतन सिंह, महाराणा कुंभा, राणा सांगा या फिर महाराणा राज सिंह। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, महाराणा सांगा के द्वारा अचलगढ़ किले की मरम्मत करवाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 कि राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, जो इतिहासकार भी थे और समाज सुधारक भी थे। ऑप्शन है मानकर्ण शारदा, हरिविलास शारदा, सी के एफ वाल्टेयर, जमुनालाल बजाज। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी के एफ वाल्टेयर जो है एक इतिहासकार भी थे और साथ साथ में एक समाज सुधारक भी थे, तो सही उत्तर है वो सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 10, 10 नंबर हमारा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि संगीत जगत से जुड़े किस कलाकार को मरणोपरांत यानी मरने के बाद राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया? खेमचंद प्रकाश, मोहम्मद रफी, जगदीश सिंह या फिर भूपेन हजारिका? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जगदीश सिंह को है वो मरने के बाद राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया था। इनका संबंध जो है, देखिए एक चीज़ मैं यहाँ आपको बताता हूँ, क्वेश्चन कहीं अलग से नहीं आते, क्वेश्चन जो हम यहाँ कवर करेंगे वही आने वाले हैं, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि एक क्वेश्चन को किस तरह से पूछा जा सकता है। जैसे यही क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन हमारा बना हुआ है, दूसरा क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा कि जगत सिंह का संबंध किस क्षेत्र से था? ठीक है, ऑप्शन मिलेगा संगीत से, चित्रकारी से, खेल से, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, संगीत से संबंधित थे। ओके, अब एक क्वेश्चन हो गया कि आप राजस्थान रत्न से किसे सम्मानित किया गया, अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको ये भी पूछा जा सकता है, तो राजस्थान रत्न से वो जगदीश सिंह को सम्मानित किया गया था। ओके गाइज, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि राजस्थान साहित्य की कौन सी श्रेणी कहानी या कथा विधा से संबंधित है? राजस्थान के जितने भी साहित्य अलग अलग श्रेणी से होते हैं, देखिए वात, वेली, वचनिका या फिर विगत, तो जिस शैली में कहानियां लिखी जाती है, देखिए जितने भी ग्रंथ होते हैं, एक ग्रंथ होता है जिसमें कहानियों के माध्यम से उल्लेख मिलता है, ठीक है, एक ग्रंथ ऐसा होता है जिसमें पूरा विस्तार से वर्णन दिया हुआ होता है, एक ग्रंथ होता है जिसमें पद्य पद्य दोहों के आधार पर होता है। इसे जो कहानियों के द्वारा जो या फिर कथा विधा से संबंधित जो ग्रंथ होता है वो कौन सा होता है? तो इसका सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, वात। हमारा राजस्थानी वात का मतलब क्या होता है, बात कहना, कथा कहना, तो वात जो ग्रंथ होता है, ठीक है, वात जो होती है उसमें क्या होती है, कहानियां लिखी हुई होती है किसी वंश के बारे में, किसी राजा के बारे में, ठीक है, किसी की वीरता के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 है कि दामड़ा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है, अंगुली में, कान में, हाथ में या फिर नाक में? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, दामड़ा नामक जो आभूषण होता है वो अंगुली में पहना जाता है, तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 13 कि गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जा चुका है, रम्मत से, तमाशा से, नौटंकी से या फिर स्वांग से? तो गोपी जी भट्ट है वो राजस्थान के किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा, तमाशा के कलाकार हैं, तो बी एस सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 14 कि वह स्थान जो अपने मृदा शिल्प के लिए विख्यात है, सांगानेर, कूचामन, मोलेला या फिर केतुन? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, मोलेला जो है वो मृदा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 15 कि संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है, बौद्ध संप्रदाय, जैन संप्रदाय, आजीविक संप्रदाय या फिर चावार्क संप्रदाय? तो नियति की अटलता में विश्वास करने वाला संप्रदाय कौन सा है? सही उत्तर क्या हो जाएगा, आजीविक संप्रदाय जो है वो नियति की अटलता में विश्वास करता है। क्वेश्चन नंबर 16 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जमुना दास, छोटेलाल, बक्साराम और नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? ये चित्रकारों के नाम है, ये किस शैली के चित्रकार थे ये बताना है कि जमुना लाल, छोटेलाल, बक्साराम और नंदलाल चित्र। ऑप्शन है मारवाड़ शैली, झालावाड़ शैली, अलवर शैली या फिर बीकानेर शैली? तो सही उत्तर हो जाएगा, अलवर शैली के चित्रकार थे, तो सही उत्तर है वो हो जाएगा सी हमारा। क्वेश्चन नंबर 17 इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, जो भी त्यौहार होता है उसकी तिथि पूछी जाती है, तो डेली एक तिथि वाला क्वेश्चन हम रोज कवर करेंगे। तो गोगा नवमी है वो कब मनाई जाती है, भाद्र पक्ष के शुक्ल पक्ष की नवमी को, श्रावण के शुक्ल पक्ष की नवमी को, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को या फिर श्रावण के कृष्ण पक्ष की नवमी को? तो गोगा नवमी जो है वो कब मनाई जाती है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को मनाई जाती है, तो सही उत्तर है वो हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 18 कि लोक साहित्य में निम्न में से किस विधा का अध्ययन अनुशीलन नहीं किया जाता, लोकगीत, लोककथा, लोककथा लोकोक्ति, लोकनाट्य या फिर चारणी साहित्य? तो सही उत्तर है हमारा क्या हो जाएगा, चारणी साहित्य में है वो अनुशीलन अध्ययन नहीं किया जाता। इस तरह के क्वेश्चन भी है आपको साहित्य से संबंधित एग्जाम में पूछे जाते हैं जो हार्ड क्वेश्चन में आते हैं, तो इसके इस तरह के क्वेश्चन भी हम कवर करेंगे ताकि लो लेवल से लेके हाई लेवल तक के सारे क्वेश्चन राजस्थान से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं रोजाना हम कवर करेंगे, पूरा पार्ट कवर करेंगे। ओके गाइज, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 लोक संगीत की वह पेशेवर जाति जिसे अलवर में मेवाती कहा जाता है, जिनकी जिनके पूर्वजों की गोड ब्राह्मण माना जाता है। ओके, यानी लोक संगीत की वह पेशेवर जाति कौन सी है जो अलवर में मेवाती कहा जाता है और उनके पूर्वजों को है क्या कहा जाता है, गोड ब्राह्मण माना जाता है? ऑप्शन है नर, मीरासी, जावड़ या फिर पातर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सही है वो उत्तर हो जाएगा मीरासी, यानी बी है वो सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है
कि उपकेशपुर का प्रसिद्ध मंदिर है शिव मंदिर, वैष्णो मंदिर, जैन मंदिर या फिर बौद्ध मंदिर? तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, उपकेशपुर का जो मंदिर है वो है जैन मंदिर। ओके, इसके अलावा आपने जो भी स्कोर बनता है वो स्कोर आप कमेंट में लिखिए। किसी भी क्वेश्चन से संबंधित आपकी समस्या हो तो आप कमेंट कर दीजिए, वहाँ मैं आपको जवाब दूंगा। और इसकी पीडीएफ देखिए, लेसन तो आपने देख लिया एक बार, आपने क्वेश्चन काउंट कर लिया, अगर दोबारा आपको देखना है लेसन देखना चाहो तो लेसन देख सकते हो, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप टेलीग्राम, मेरा चैनल है डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, आप वैसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने डाउनलोड पहले से कर रखा है तो वहाँ सर्च कीजिए PSC GK या फिर राजस्थान पुलिस, ऐसे ही एग्जाम ज्वाइन कर सकते, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। PDF के द्वारा आप दोबारा भी लेसन है वो 5 मिनट में 2 मिनट में दोबारा कवर कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा डेली रोजाना याद रखिए, आप ज्वाइन कीजिए। ये तो हो गया पार्ट सी, ठीक है। अगर राजस्थान पुलिस का अगर एग्जाम दे रहे हो तो पार्ट सी है वो पूरा 11:30 बजे की डेट से आपका कवर हो जाएगा। पार्ट बी जो है वो यहाँ से कवर कर सकते हो आप। पार्ट बी के लिए 7:30 बजे मॉक टेस्ट सीरीज होती है। पार्ट बी में हम राजस्थान के क्वेश्चन नहीं करेंगे इतने, भारत के क्वेश्चन करेंगे, भारत के जीके से संबंधित, विश्व के जीके से संबंधित।